वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक डीटीएच है जिसमें हमारी सप्लाई ख़राब है, सप्लाई को हम चेंज करेंगे। चेंज करने का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हमारा ज़्यादा कुछ फॉल्ट नहीं है, लेकिन कस्टमर की डिमांड होने पर कि ये बार बार प्रॉब्लम ना बने तो उस समय को कोई भी मतलब नहीं है। हमारा काम तो एक जम्पर से हो सकता था और हो ही गया था, हमने इसका वीडियो भी बनाया था। सिर्फ इसमें यहाँ पर आप देखें, मैं आपको गौर करके दिखा देता हूँ। फ्लैश लाइट ऑन कर देंगे जिससे कि आप खुल करके दिखा सको। इस साइड पर यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनता है, इसके जस्ट बगल में ग्राउंड का पॉइंट होता है। इसके जस्ट और बगल में जाएंगे तीसरे वाले पॉइंट पर, यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए जो कि 15 वोल्ट की सप्लाई मिस हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ से इस 12 वोल्ट की लाइन से यहाँ पर जंपर कर दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा बात बोल रहा था, तो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। कस्टमर के कम पैसे लगते अगर इसको रिपेयर होने देता, लेकिन कस्टमर के मन में यही संतुष्टि नहीं बन रही कि सप्लाई चलेगी कि नहीं चलेगी। मेरे हिसाब से चलेंगे, बट हम उसके हिसाब से चलेंगे, वो जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पर 22 वोल्ट, यहाँ पर ग्राउंड, इसके बाद यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलने के लिए, ये सब मिल रहा है। खाली 15 वोल्ट की सप्लाई मिस थी, जिसकी जगह पर मैं ये ग्रीन वाली और अच्छी क्वालिटी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पर ये दोनों सप्लाई पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट होगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर ये चोक कॉइल अच्छे क्वालिटी का है, कैपेसिटर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसके सभी नट को हम रिमूव कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक सप्लाई, ये सप्लाई को हम फिक्स कर देंगे। चलिए सभी नट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो इस जगह पर इस सप्लाई को हमने निकाल के इसके सभी जगह पर यहाँ पर चारों नट को मैंने कस दिया है, और कसने के बाद यहाँ पर दो टाँके लगा देने होंगे, जो कि बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। और ये कनेक्टर का जो यहाँ पर इस तरह से दो डंडी दिख रही होगी, मैं आपको एकदम स्पष्ट और क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि यहाँ पर ये दो डंडी दिख रही होंगी, ये डॉट है, इसको पीछे की ओर रखना होगा और इस प्रकार से आपको लगा देना। ओके, इस प्रकार से आप जब लगा देंगे तो यहाँ का प्रोसेस है कंप्लीट। और सिंपली इसके दो टांके निकाल कर यहाँ से यहाँ पर फिक्स कर देना होगा। तो हमने उसके टांके छुड़ा लिए, अब इस जगह पर मैं दोनों टांके को यहाँ पर फिक्स कर दूँगा अच्छे तरीके से, जिससे कि कोई भी दिक्कत का प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर इसमें कोई भी प्लस और माइनस जैसा कोई वैसा सिंबल नहीं होता, मतलब प्लस माइनस का तो खेल ही नहीं होता। किसी प्रकार से सवारों को लगा देंगे तो आपका जो सेटअप होता है वो चलना शुरू कर दें। ओके, सिंपल इस जगह पर आपको अच्छा तरीके से सोल्डरिंग बस कर देना होगा, जिससे आपका वायर टूटने का खतरा ना रहे। यहाँ पर मजबूती आप देख ही सकते हैं, वायर नहीं टूटेगा। तो हमारा ये प्रोसेस हो चुका है कम्प्लीटली, और अब डीटीएच को करेंगे ऑन, देखेंगे कि हमारा ऑन होता है कि नहीं। तो इस जगह पर हमारा ऑन तो हो ही जाएगा, क्योंकि नई सप्लाई है और कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर इसका वोल्टेज एक बार आपको चेक करवा देता हूँ कितने कहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर मेरा ये ऑन हो चुका है, यहाँ पर इसका डिस्प्ले पर दिक्कत है तो यहाँ पर एक डिजिट नहीं दिख रहा, बट उससे कोई भी मतलब नहीं है। ओके, इस जगह पर मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर पहले मैंने सेलेक्ट करके रखा है। इस पर पहले सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेंगे, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट मिल रही है। ओके, न्यू सप्लाई है तो कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और कस्टमर भी वीडियो देख लेंगे तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और न्यू सप्लाई है और कोई भी दिक्कत नहीं, कस्टमर भी देखेगा कोई भी दिक्कत नहीं है, देख ले संतुष्टि वो भी कर ले। तो यहाँ पर 3.3 सप्लाई, ओके, इसके जस्ट बगल में ग्राउंड, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर 15.9 15.10 इस प्रकार से वोल्टेज, यहाँ पर ये वाला वोल्टेज मिसिंग था पुराने सप्लाई में, जो कि मैंने एक जंपर के प्रॉब्लम से सॉल्व कर दिया था, लेकिन कस्टमर बहुत ज़्यादा बातें बोल रहा था, इसकी वजह से मेरे को ये चेंज करना पड़ा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा बात है, चेंज हो चुका है तो और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ सर्विस होगा, उससे डबल ही सर्विस होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22 मिल रहा था तो इसमें हमारा 25.3 इस प्रकार से मिल रहा, जस्ट इसके बराबर में आप चेक करेंगे, यहाँ पर ग्राउंड है, इसके जस्ट बराबर में यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो सप्लाई चेंज करने का मैंने प्रोसेस दिखाया है, सप्लाई रिपेयर करने का भी मैंने प्रोसेस दिखाया है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।